कर रहे हैं। ब्रह्मगिरी के टॉप पे पहुंच गए और अब देख सकते हो हमारे पीछे और भी लोग ट्रैक से जा रहे हैं। हाय दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर तपोभूमि ऑफ गौतम ऋषि। खूबसूरत नज़ारा है और क्या पहाड़ी, और देखिए आप देख सकते हैं। हमारे साथ टूर में हमारा ये है अजय और ये है दीपक, सिर्फ तुम वाला दीपक। और बोले हम लोग त्र्यंबकेश्वर में पहुंचे हैं। थोड़ी देर में हम ट्रैकिंग चालू करेंगे ब्रह्मगिरी के लिए और आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी हर हर महादेव। दोस्तों एक चीज़ खास आपको बता देता हूँ, जब भी आप ब्रह्मगिरी का ट्रैकिंग करेंगे तो ये लकड़ी की आपको खास जरूरत पड़ेगी। ये लकड़ी आप अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा ताकि आपको ट्रैकिंग करने में बहुत आसानी रहेगी और इस लकड़ी का बहुत सारा आपको मदद मिलेगा। और बाकी खूब खुली भगवान सपोर्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय। देखो दोस्तों इतना ग्रीनरी में से रास्ता जाता है और कितना सुंदर सुंदर रास्ता बनाया गया है। सीढ़ियाँ भी इस तरीके की है जहाँ से चलने में इतना आसानी होगा बहुत, और बीच रास्ते में से बहुत सारे आपको ग्रीनरी मिलेंगे। सो प्योर ऑक्सीजन यू कैन टेक फ्रॉम हियर। थक तो गया है बट देखते कितना तक सस्टेन कर पाते हैं। लेट्स गो। आप देख सकते हो कितना स्ट्रेट सीढ़ी है, थोड़ा श्वास फूल जाता है बट वी विल डू इट। हाय दोस्तों, अभी हम लोग रास्ते में थोड़ा थक गए और इसके लिए थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गए इधर। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, ये लाठी सबसे ज़्यादा हम उसको आभारी है जिसने हमको रास्ते में बहुत हेल्प की है। अदरवाइज ये लाठी नहीं होती तो हमारा कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा हेल्प की है और आगे जाके वापस हाँ वापस आया। और ये अजय सबका सामान लेके साथ में घूम रहा है और आप भी तक बैठा नहीं हो। यूज करने वाला जितना सीढ़ी अभी तक चढ़ा है उसमें से अभी तक वो बैठा भी नहीं है और मैं 5-6 बार बैठ चुका हूँ और वो मैं पीछे ना रह जाऊँ इसलिए वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और होपफुली चढ़ जाएंगे, आपको मैं बताता हूँ ऊपर पहाड़ कौन सा चढ़ना है हमको। हम जा रहे हैं अभी एक पौराणिक कुआ है ब्रह्मगिरी के रास्ते में, उसका विजिट करने के लिए हमारा अजय भाई लेके जा रहे हैं। हम इधर अभी यहाँ तक आए हैं तो सोचा उसका विजिट ज़रूर करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ आपको दिखाए रास्ते में से ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। चलो देखते हैं आगे क्या है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर है। इसमें देखो ये सीढ़ी से उतरता है और कितना गहरा है अपन अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आश्चर्य है कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके पहाड़ी पे इतना हाइट पे इतना सारा पानी और कितना गहरा होगा ये कुंडी आप कोई बता नहीं सकता है। बहुत अद्भुत अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय वेरी गुड। क्या सुंदरता है, क्या कुंड में पानी, कितना सुंदर साफ पानी जो आप देख सकते हैं। सीढ़ी से इधर सीढ़ियाँ भी है जो अंदर जा भी सकते हैं अपन। देखो ये छोटे छोटे कुंड बने हुए, कुंड का यहाँ से सीढ़ी जाती है और अंदर इतना पानी और ये पहाड़ है ऊपर अद्भुत। इतने हाइट पे इतना सारा पानी अविश्वसनीय। चलो तो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये सुशील है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है, किधर भी चढ़ जाता है और हमको बाद में फोटो निकालने के लिए बोलता है। हमारी हाथों में जान नहीं रही कि हम कैमरा पकड़ पाए लेकिन वो ज़बरदस्ती करता है।
और डंडा लेके तैयार हो जाता है अगर नहीं निकाला तो। और वो और बंदर, इससे भी संभालना है, बंदर से भी संभालना है। ये पहाड़, ये पहाड़ चढ़ना है हमको, सोच रहे कैसे चढ़ेंगे ये पहाड़। ये बोलते हैं सह्याद्री का बहुत बड़ा पहाड़ है, ब्रह्मगिरी पर्वत। और यहाँ पर एक पुराना आश्रम है जो बहुत सालों से ऐसे खंडर की तरह पड़ा है, लेकिन अभी कोई उसको यूज नहीं करता एज ए हिस्टोरिकल प्लेस। आप उन्हें थोड़ा सा विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं पुरानी का आश्रम है जहाँ पर हमने विजिट किया है। और यहाँ पर अभी फिलहाल तो खंडर जैसा लग रहा है कुछ है नहीं यहाँ पर, बट चीज़ बहुत अच्छी बनाई है, उसकी बनावट बहुत अच्छी है, काला पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ पुरानी लिखा है, आपको मैं उसकी उस महल के पीछे भी आपको विजिट कराते हैं। यहाँ पे पूरा उसके पीछे के एरिया में आप देख सकते हैं कितना वा... स्टिंग, जिसका एडवर्टाइज आपने देखा होगा कि स्टिंग पीते ही इलेक्ट्रिसिटी जैसा एनर्जी आ जाता है। सो इसका आज एग्जामिनेशन है और इससे इसके बाद हमारा जो ट्रैक है वो बहुत इंक्लाइन है। सो इसका एग्जामिनेशन है कि ये पीने के बाद हमको कितना एनर्जी आता है। इसके बाद फाइनली ऊपर जाने के बाद उसका मैं फीडबैक दूंगा कि ये प्रोडक्ट काम करती है या नहीं करती है। सो लेट्स गो, let us see for this drink. Thank you. फाइनली हम लोग इंक्लाइन सीढ़ी चढ़ गए हैं और शायद अभी थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन जो कठिन चढ़ाई थी वो हमने पार कर ली है। अद्भुत एक्सपीरियंस रहा, देखो कितना भीड़ है, कितना भीड़ है। और 30 डिग्री इंक्लाइन है सीढ़ी और उसको चढ़ना, रेलिंग पकड़ के, और उधर पानी है, स्लिपरी भी बहुत है, बहुत कठिन रास्ता है। एक अद्भुत एक्सपीरियंस रहा सह्याद्री पर्वत पे, ब्रह्मगिरी बेड, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, अद्भुत। भाई लोग कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये हमारे दो दोस्त हैं जो हमको ट्रैकिंग में साथ में मिले। क्या नाम है आपका? अविराज। ओके, आपका? नितेश। ओके दोस्तों, फाइनली हम लोग ब्रह्मगिरी के टॉप पे पहुंच गए और अब देख सकते हो हमारे पीछे और भी लोग ट्रैक पे जा रहे हैं। आगे पहाड़ और भी हाई इंक्लाइन है,
लेकिन हम लोग उधर जाएंगे जो ब्रह्मगिरी का मंदिर है और माँ गंगा गोदावरी का उद्गम स्थान है, हम उधर जरूर जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हो आप, और पीछे एक लाइन भी है, उधर एक पिनाकल से उसके टॉप पे आ गए। बहुत सुंदर खूबसूरत नज़ारा है, आप हमारे साथ बने रहिए। फाइनली हम टॉप पे पहुंच गए, हम बहुत सारी चीज़ें और भी आपको दिखाएंगे, और भी हमारा ट्रैकिंग बाकी है पहाड़ी पे। और आज काफ़ी खुश है, मानना पड़ेगा बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है, मेरे को तो ये लाठी लाई ऊपर, और ये बैग भी ले, सबका सामान लेके बैग में चढ़ा भी है और एक जगह पर बैठा भी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है लिटरली। सो फाइनली आप बने रहिए, हम आगे की चीज़ आपको दिखाते रहेंगे। सो लेट्स कीप इट कंटिन्यू। अभी पहाड़ पे ही हम लोग उधर ब्रह्मगिरी में, और बजा है 5:30 बजे हैं, और अभी इतना फोगी हो गए हैं कि एक लकड़ी हमारी चोरी हो गई, दो लाठी लेके हम लोग आए थे नीचे से, एक लाठी चोरी हो गई है, एक ही बचा है, और पूरा वेदर फोगी फोगी हो गया, कुछ घूम नहीं रहा है। हमारा अजय भाई के सहारे हम लोग चल रहे हैं, तो छोटे छोटे वाटर फ्लोर है, वाटरफॉल छोटे छोटे बहुत सारे दिख रहे हैं, और कुछ दिख तो नहीं रहा है, चल रही है, चल जा रहे हैं, और देखते हैं। अभी शिव जटा मंदिर में जा रहे हैं, उधर दर्शन करके वापस ये इस साइड से पहाड़ चढ़ेंगे, फिर उस साइड पे उतरेंगे। आप देख सकते हो नीचे, आप रे बहुत डेंजर है पहाड़ी, ऊपर का इतना बड़ा पहाड़ है गायब हो गया है, मतलब हम लोग भी थोड़ा दूर दूर हो गए तो गायब हो जाएंगे। बहुत जल्दी हमको नीचे भी उतरना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी मोबाइल की बैटरी अभी डाउन हो रही है, और फिर अंधेरे में उतरना मुश्किल हो जाएगा सबकी, हमारी भी बैटरी डाउन हो रही है। और दो स्टिंग लाए थे, उन वो एग्ज़ाम में पास हो गया और हम फेल हो गए अभी ख़त्म भी हो गया है। ये पेड़ को याद रखेंगे, है ना, ये पेड़ को अपन याद रख के यहाँ से निकलेंगे, सीधा ऊपर जाएंगे। अभी आपको मालूम है तो ठीक है, आपके पीछे पीछे हम लोग किधर भी चलेंगे, लेकिन हमारे लिए तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। भाई आप देख सकते हो ये यहाँ से एकदम 90 डिग्री है, पूरा खाई है, खाई का थोड़ा सपोर्ट है, हम लोग लेके वहाँ लेके आपको वीडियो बना रहे हैं, बट इधर पूरा फोगी हो गया, ये मानना पड़ेगा। यहाँ पे गंगा गोदावरी का उद्गम स्थान है। महर्षि गौतम ऋषि ने अपनी कठोर तपस्या के बाद यहाँ पे गंगा माता प्रकट हुई थी, और अपने गौतम ऋषि ने अपने गौ हत्या के पाप को धो लिया था। ब्रह्मगिरी के माउंटेन पर अगर आप ट्रैकिंग करने के लिए आए तो ये जगह सबसे ज़्यादा ज़रूरी विजिट करके जाना। बहुत सारे नंदी पहाड़ पे ऊपर ब्रह्मगिरी मंदिर के पास, शिव जटा मंदिर के पास अपना स्थान बना के बैठे हैं। अपन सोच सकते हैं कि ये जहाँ इंसान को चढ़ने में दिक्कत होता है, तो ये लोग इनको कैसे चढ़ाया होगा इस पहाड़ पर, अद्भुत अविश्वसनीय।
बहुत डेंजर ट्रैकिंग है, एक साइड पे खाई है और पतला सा रास्ता है, एकदम नैरो है। सो वी हैव टू टेक केयर, बहुत नैरो रास्ते, बहुत रिस्की भी है, संभाल संभाल के चल रहे हैं हम लोग, आप देख सकते हो। और खाई बोले तो बहुत गहरा खाई है।